नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे बहुत ही झटपट और आसान सी रेसिपी जिसको कहते हैं ऑनियन टमाटो चीज़ सैंडविच। देखिए इसे बनाते कैसे हैं। एक बाउल में मैंने बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया है। प्याज डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर के बाद इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स। आपको चाहिए तो हरी चिली आप बारीक स्लाइस करके भी डाल सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ पिज्ज़ा मिक्स या ऑरिगेनो मिक्स, आपके घर में जो भी अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी नमक। नमक डालने के बाद इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बस इसे डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अगर आप चाहें तो कोई और वेजिटेबल्स आपके पास हो, जैसे कॉर्न हो, कैप्सिकम हो, आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। मुझे ये बेसिक सी रेसिपी आपको दिखानी थी, इसीलिए मैं सिर्फ इतने ही सब्जियों का इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए देखते हैं अब हम कैसे इसे अरेंज करेंगे। अब मैंने बोर्ड पे अपने ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। आप चाहे तो मल्टीग्रेन ब्रेड के भी ले सकते हैं या फिर वाइट ब्रेड के स्लाइसेस भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर पर अवेलेबल हो। अब एक साइड पर मैं ये मिक्सचर डाल दूँगी। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, ये स्पेशली उन महिलाओं के लिए है जिनके पास सवेरे टाइम नहीं होता ज़्यादा कुछ बनाने का, इसीलिए वो ये रेसिपीज़ ज़रूर बना के देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बनता है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है। अब मैं दूसरे साइड पे भी ये लगा लूँगी। मैं 6 सैंडविचेस टोस्ट कर रही हूँ, इसीलिए मैं एक एक करके एक एक स्लाइस पे डाल के इसमें ब्रेड साइड पर रख के अब मैं इसमें चीज़ डाल दूँगी। अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ग्रेटेड क्यूब चीज़ होता है वो लिया है। आपके पास प्रोसेस्ड चीज़ क्यूब है आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपके घर पे मोज़रेला है आप वो भी ले सकते हैं, या फिर जो चीज़ स्लाइसेस आते हैं आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो बस इसे मैं अच्छे से दबा दूँगी और बाकी के सारे ब्रेड स्लाइसेस को भी मैं अच्छे से ऐसे ही अरेंज कर लूँगी। इसका जो मेन काम होता है वो है रोस्ट करना। जब आप रोस्ट करेंगे आपको बहुत ध्यान रखना है कि मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आप इसको रोस्ट करें। देखिए मैं आपको आगे के प्रोसेस में बता दूंगी। अब इसमें भी मैं चीज़ डाल रही हूँ और इसे भी मैं ब्रेड डाल के कवर कर दूंगी। तब तक मैं अपना ग्रिल पैन ले लेती हूँ और इसे मैं गर्म होने के लिए रख दूंगी और इसमें मैं डालूंगी बटर। आपको चाहिए तो आप तेल भी डाल सकते हैं या घी भी डाल सकते हैं, जो भी आप प्रेफर करते हो। बटर जब अच्छे से मेल्ट होके फैल जाए अब इसमें मैं ब्रेड के स्लाइसेस एक एक करके डाल दूंगी। मेरा पैन ज़रा बड़ा है इसलिए मैं 6 सैंडविचेस इसमें डाल सकती हूँ। ध्यान रहे कि आपका जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो पर ही हो, ज़्यादा हाई पर अगर आपका फ्लेम रहा तो सैंडविचेस बाहर से काले हो जाएंगे, अंदर से बिल्कुल क्रिस्पी नहीं रहेंगे और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा खाने में। इसीलिए पहले से ही आपका जो गैस है वो मीडियम टू लो पर रखिए और ये सारे सैंडविचेस आपको इसी तापमान में आपको इसे रोस्ट करना है। बस मैं ऊपर से भी थोड़ा बटर लगा लूँगी। इसे बस रोस्ट होने में ज़रा टाइम लगता है, 5 मिनट लग जाएंगे आपको दोनों साइड रोस्ट करने में। अब आप देख सकते हैं ऊपर का जो बटर है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैं एक एक करके सैंडविचेस को पलट दूँगी। अब आप देख सकते हैं ग्रिल पैन बड़ा है इसीलिए जो किनारों के सैंडविचेस थे वो ज़रा हल्के ब्राउन हुए हैं और जो बीच के सैंडविचेस थे वो ज़्यादा ब्राउन हो गए हैं, पर कोई बात नहीं, स्वाद तो अभी भी बहुत ही बढ़िया होने वाला है। बस आपके सैंडविचेस रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। बनने के बाद अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो फिर भी कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी या नहीं। आगे और कौन सी रेसिपीज़ आप देखना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आकर बताइए, ताकि मुझे आइडिया पता चले कि आप मेरे चैनल में और क्या क्या देखना चाहते हैं। तब तक मिलते हैं इसी चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ। जय हिंद।